सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पेंस वर्ल्ड। सो आज हम करने वाले हैं एक और ही बहुत ही बेहतरीन पेन का रिव्यू। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो गाइज आज मेरे पास है ये बहुत ही बेहतरीन पेन, आप देख सकते हैं इसको। इसका नाम है पायलट फ्रिक्शन बॉल, आप देख सकते हैं ये पेन। यहाँ पे लिखा है बहुत ही छोटे में रिमूव बाय फ्रिक्शन, ये यहाँ से इरेज हो जाता है फ्रिक्शन की मदद से। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है ये पेन। मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये गाइस ये पेन आपको अराउंड 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये 100 रुपीज़ के अंडर में नहीं आता, ये 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसकी जो ये रिफिल है ये आपको 60 रुपीज़ में मिलेंगी। हाँ ये काफ़ी ज़्यादा है एक रिफिल के तौर पे देखा जाए तो, पर वही बात है कि ये रिफिल इरेज भी हो जाती है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। और आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे खुल जाता है, स्क्रू है ये, ये देख सकते हैं। ओके गाइस दिस अ वेरी गुड पेन, और ये बहुत ही अच्छा पेन है गाइस। तो चलिए इसका एक राइटिंग सैंपल कर लेते हैं, पर उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दूसरे पेन्स के कंपैरिजन में साइज में कितना बड़ा है कितना छोटा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हमारा V7, ये हमारा V7 है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कैप का है बस, आप देख सकते हैं। अगर मैं दोनों का ये हटाऊं तो भी फ्रिक्शन बड़ा है, आप देख सकते हैं फ्रिक्शन बड़ा है थोड़ा साइज में इससे। और फिर हम इससे कंपेयर करेंगे हमारे पायलट 05 से। तो चलिए इससे भी कंपेयर कर लेते हैं, इससे भी काफ़ी बड़ा है, इससे भी पेन काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। इनकी ये खोल लेते हैं कैप और आपको इसे भी दिखा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये इससे भी काफ़ी बड़ा है, मतलब ये साइज में थोड़ा बड़ा पेन है, पर यह काफ़ी लाइट वेट, ये इससे ज़्यादा लाइट वेट, ये इससे ज़्यादा हैवी है, ये लाइट वेट है इन दोनों पेन से। तो चलिए एक राइटिंग सैंपल शुरू करते हैं हमारा। तो गाइस चलिए राइटिंग सैंपल शुरू करते हैं, इसको आप बैक पोस्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए। पर मुझे बैक पोस्ट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको बैक पोस्ट करके नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ। तो चलिए कुछ लिख के देख लेते हैं हम। इसका नाम है पैलेट फ्रिक्शन बॉल, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ पेन है, ये काफ़ी ही स्मूथ पेन है। और ये आपको आई थिंक काफ़ी वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है, ब्लू और ब्लैक तो आपको हर हालत में मिल जाएंगे, और भी इसके काफ़ी कलर्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर आपको इसके अलग कलर्स चाहिए तो। इसकी निब का साइज है गाइस 0.7 mm निब। गाइस ये पेन काफ़ी ही अच्छा लिख रहा है, ये पेन काफ़ी अच्छा लिख रहा है, काफ़ी स्मूथ है ये। प्लीज़ सब्सक्राइब पेन्स वर्ल्ड। गाइस ये पेन काफ़ी ही शानदार पेन है। तो चलिए अब इसका एक इरेजेबल टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए बोला जाता है कि ये पेन इरेज कर सकता है, तो मैं आपको ये इरेज करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं देखते हैं ये इरेज कैसे करता है। तो आप इसके यहाँ से इरेज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इरेज हो गया, ये कितनी आसानी से बिल्कुल साफ हो जाता है जगह, ऐसे ऐसे आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो गाइस ये सच्ची बात है कि ये इरेज अच्छे से कर देता है ये पेन, ये काफ़ी अच्छी बात है इस पेन की। तो
गाइज, अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपीज़ में इज इट वर्थ बाइंग, सो गाइज अगर आप शौकीन हैं पेन के, आपको अलग अलग पेन अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर इसको ले सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और आपकी जो गिफ्ट करना चाहते हैं कुछ यूनिक चीज़, तो ये भी काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये इरेजेबल पेन है तो ये काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। पर बात यहाँ पे ये है कि क्या हमें इसे परचेज़ करना चाहिए फॉर नॉर्मल राइटिंग सैम्पल्स एंड अदर थिंग्स। सो गाइस, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप अगर आपकी राइटिंग ऐसी है जिसमें काफ़ी बार आप गड़बड़ कर देते हैं लिखते हो, तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। पर मेरे को लगता है अगर आपको एक वर्थ पेन चाहिए तो आप V7 के साथ चले आइए, ये काफ़ी स्मूथ पेन है। पर हाँ, इट्स नॉट अ बैड पेन, इट्स ऑल्सो एज इक्वल टू V7, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल 100% गारंटीड है कि ये रब करेगा। तो काफ़ी शानदार पेन है ये भी, तो मैं इसको आउट ऑफ 10 मार्क्स देना चाहूँगा, 8.5। चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। सो गाइज, प्लीज़ 150 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दीजिए, हमारे 117 हो गए हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ, हमारे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ जल्दी से 150 करवा दीजिए जिससे मैं और अच्छे अच्छे पेन का रिव्यू कर पाऊँ। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।